हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज हम बड़ी टेस्टी मट्ठी बना रहे हैं। मठरी जो मेथी के फ्लेवर के साथ होगी, खस्ता होगी, लच्छेदार होगी। घर पर मेहमान आते हैं ना, दौड़ते हैं समोसे लाएं, चाय के साथ क्या रखें। लेकिन ये खस्ता जब आप मठरियाँ खुद बनाएंगे ना, देखिए कितनी क्रिस्पी है, तो आप मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ करने से नहीं थकेंगे। चलिए, बनाने के लिए लिया है मैंने मैदा। ये इस तरह से दो खाने की जो कटोरियाँ हैं, इस तरह इसी कटोरी से मैंने दो कटोरी मैदा नाप कर लिया है। और टेस्टी और बढ़िया और बनाने के लिए तो एक टेबलस्पून मैं इसमें बेसन यानी ग्राम फ्लावर ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने से मेथी की जो मैं मठरी बना रही हूँ ना, बहुत डिलीशियस और बहुत खस्ता हो जाएगी। तो ये दोनों सूखे आटों को अब हम सीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नमक डालिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। जी, सूखी कसूरी मेथी है। आप बाज़ार से ताज़ी मेथी डालेंगे तो इतनी लाइफ नहीं रहती, कसूरी मेथी ऐड करेंगे तो फ्लेवर अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा ना डालें। हल्की सी मैंने क्रश करके रखी है, तो एक टीस्पून ही मैंने कसूरी मेथी ऐड की, जिससे बहुत अच्छा स्ट्रांग फ्लेवर आएगा। अगर आपको मेथी नहीं पसंद तो आप पूरी रेसिपी फॉलो कीजिए, बस मेथी अवॉइड कर दीजिए। और आधा टी स्पून मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसे हींग ऐड कर रही हूँ। देखिए, दो तीन पिंच हींग लीजिए, थोड़े से पानी में अच्छे से डुबो कर रखिए, घोल लीजिए। फिर ये आप एक दो टीस्पून जो हींग हमने घोल कर रखी, ये भी आटों में मिक्स कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। मठरी को खस्ता बनाने के लिए इसमें मोइन ऐड करूँगी। देखिए कि मैंने छोटा चम्मच लिया है और मैं तीन चम्मच के करीब इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप पिघला हुआ घी इस्तेमाल करें तो चार चम्मच लीजिए। आप सारी सामग्री को अच्छे से हाथ से मिक्स कीजिए। बेसन है, नमक है, इसमें मेथी है, जो भी हमने ऐड किया है इसे हम पहले हाथ से खूब अच्छे से मलेंगे। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ खस्ता बनाना चाहते हैं तो आटे को इस तरह से हाथ में मुट्ठी में मिलाकर थोड़ा सा क्रम्बल कीजिए। ऐसा करने से मठियाँ बहुत ही खस्ता बनती है, तो इन्हें आप एक दो मिनट तक इस तरह से हाथ से मसलिए। हमारे आटे की देखिए मुठियाँ बन रही हैं और मुठियाँ टूट नहीं रही हैं। अगर आपकी मुठ्ठी टूट रही है तो थोड़ा घी और ऐड कीजिए। आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसमें आधा कप के करीब पानी लगेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अकॉर्डिंगली आप आटा गूंदिए। जो आटा मैं गूंद रही हूँ, जब हम प्लेन मठरी बनाते हैं ना तो बहुत सख्त गूंदते हैं, लेकिन मैं खस्ता लच्छेदार मठरी बना रही हूँ तो थोड़ा हल्का सा टाइट होगा, लेकिन सॉफ्ट रहेगा डो। तो आप फर्म एंड सॉफ्ट डो गूंदिए। थोड़ा सा अंदाजे से पानी डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से मल लीजिए। अब देखिए, आटा हमारा एक साथ जुड़ गया। मैं इसमें और पानी नहीं ऐड करूँगी, बस इसी को हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल बन के रेडी है, इसे मलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आटे को एक साथ कीजिए और ढक कर रख दीजिए। आटा हमारा अब हम ढक कर रखेंगे आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट कम से कम आप रेस्ट कराइए, वो आधा घंटा काफ़ी है। देखिए, जब तक आटा रेस्ट कर रहा है ना, हम ये मैदे का, ये मैंने मैदा लिया है, तीन छोटे चम्मच मैदा है, इसमें मैं दो से तीन छोटे चम्मच देसी घी ऐड करूँगी और एक गाढ़ा सा घोल बना लूँगी, बिल्कुल गाढ़ा, जैसे पेस्ट लाइक होता है। तो इसका हम पेस्ट बना रहे हैं, तो पेस्ट हम लच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैंने घी इसमें ऐड किया, मिक्स करूँगी, अगर मुझे लगा ज़रूरत है और तो और ऐड कर दूँगी। अभी हम इसे मिक्स करते हैं। आटे का पेस्ट थोड़ा मुझे सख्त लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करते हैं। और अब बिल्कुल इसे फेंट लेते हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। देखिए, हमने मैदे का और देसी घी का, आप वनस्पति घी भी ले सकते हैं, बनाकर हमने रख लिया एक तरफ और ये हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। और दोस्तों, इस रेसिपी में जहाँ मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वनस्पति घी यानी डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए, अब हम आटे की तीन एक बिल्कुल एक आकार की, बिल्कुल एक जैसी, हमने देखिए एक जैसी मैंने तीन लोइयाँ यानी तीन पेड़े बना लिए आटे के। अब इन्हीं की हम लेयरिंग करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम थोड़ा सूखा आटा लेके इन्हें बेल लेते हैं। तो आप एक साइज़ की तीन रोटियाँ पतली पतली बेल लीजिए, जो हमने मैदा गूंदा है उससे। थोड़ा सूखा आटा डस्ट कीजिए और आटा लगाकर आप अच्छे से इसे बेल लीजिए। और पतली बेलिए, थोड़ी बड़ी बेलिए, क्योंकि हम अभी हम लेयरिंग भी करेंगे तो ये थोड़ी मोटी हो जाएंगी, तो पतला बेल लीजिए। तो देखिए, सूखा आटा मैंने लगा लिया है और मैं बड़ी सी रोटी बना रही हूँ। एक रोटी नहीं, मैंने तीनों रोटियाँ देखिए बनाकर रख ली हैं प्लेट में। ये पहले से मैंने दो रोटी और बनाकर रख ली हैं। तो ये अब हम लेयरिंग करते हैं। तो अब हमें पेस्ट चाहिए होगा जो हमने बनाकर रखा हुआ था। आप एक चम्मच के करीब ये जो पेस्ट है, देखिए कितना अच्छी, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है, बिल्कुल क्रीमी बना है। इसे आप अच्छे से एक चम्मच लीजिए और हाथ से इस तरीके से फैला दीजिए, बहुत अच्छे से एक रोटी पर। इसको सब तरफ फैलाएंगे तो ये अच्छे से आटा चिपकेगा नहीं, आपस में रोटियां चिपकेंगी नहीं। और जो दूसरी रोटी है इसे आप रखिए और इसे हाथ से फैला कर बिल्कुल बराबर कर दीजिए,
क्योंकि मैदा है ना फिर ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। अभी हमने एक रोटी लगा ली एक रोटी के ऊपर, अब मैं दूसरी रोटी के ऊपर फिर से मैं यही लेयरिंग करूँगी। देखिए खूब अच्छे से मैंने पेस्ट को हाथ से फैला लिया है बिल्कुल इक्वली, और अब मैंने थर्ड रोटी भी रख दी है और उसे भी मैं हाथ से स्ट्रेच कर रही हूँ, बराबर कर दिया है। अब हमारी तीनों जो रोटियाँ हैं लग गई हैं। अब मैं फाइनल जो है हम फिर से हम देसी घी वाला जो हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ है उसे भी मैं टॉप लेयर जो है उस पर फैला देती हूँ, क्योंकि अब हम रोल करेंगे तो हम नहीं चाहते ये चिपके। और क्या करें, हाथ से जो गोल रोटी है इसे थोड़ा सा कॉर्नर को जो इसके कोने हैं उसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए ताकि ये थोड़ी स्क्वायर शेप हो जाए, हम रोल करें तो ज़्यादा मतलब लेयरिंग अच्छी हो। तो बस हल्का हल्का आप स्ट्रेच कीजिए और फिर रोल करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे रोल करेंगे तो लच्छे आएंगे ना, जिसे हम लच्छेदार पराठा बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए रोल कर लेते हैं इसे खूब अच्छे से खींच कर ताकि एकदम टाइट, और अगर आप लूज़ लूज़ करेंगे तो बहुत परतें खुल जाएंगी, तो खींच कर अच्छे से कीजिए। हमने आटे को रेस्ट कराया था तो बहुत अच्छे से आटा जो है हमारा स्ट्रेच होगा। और अब देख रहे हैं मैं इसमें से कटिंग करनी मैंने स्टार्ट कर दी। चाकू लीजिए, उससे इस तरीके से आप छोटे छोटे आप इस तरह से पीसेस कट कर लीजिए। अब मैंने सभी पीसेस को निकाल लिया, देखिए किस तरह से हमें लेयर दिख रही है। ये आपको मैं एक पीस बताती हूँ कैसे मटरी बेलेंगे, आप वैसे ही सारी मटरियाँ बेलिए। इसे हाथ से पहले फ्लैटन कीजिए इस तरीके से कि हमें लेयर्स नज़र आने लग जाएं, और फिर हम इसे सूखा आटा लगाएंगे खूब सारा इस पर, क्योंकि इसमें हमने घी लगाया हुआ है तो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। आटा लगाइए और फिर इसे आप बेलन से बेल लीजिए। हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमने मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो कचौड़ी जैसा बन जाएगा। हम मठरियाँ बना रहे हैं, खस्ता लच्छेदार बन रही हैं, तो आप इसे जैसे रोटी बेलते हैं ना रोटी जितना मोटा रखिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना इसे मोटा बनाया है, तो इसे मैं अभी थोड़ा और बेल रही हूँ। ये देखिए इतनी हमने मोटाई की, एक पापड़ी जैसी हमने एक मठरी बेल ली है। तो इसी तरीके से आप सारी मठरियों को बेल लीजिए। हम एक साथ कढ़ाई में सात मठरियाँ साथ में हम फ्राई करेंगे, तो कढ़ाई एक तरफ चढ़ा दीजिए, सात मछलियाँ बेलिए, उन्हें आकार दीजिए, उन्हें फ्रायर आप कढ़ाई में डालिए और साथ के साथ दूसरी आप बेलिए। देखिए मैंने इस तरह से छः सात मछलियाँ बेल ली हैं, आप देख सकते हैं इनकी मोटाई कितनी है। और तेल भी मैंने कम आंच पर रखा हुआ था पिछले 5-7 मिनट से, तो वो भी हम चेक करते हैं कितना गर्म हुआ है। तेल चेक कीजिए, आप थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालिए, वो तले पर बैठता है, फिर कुछ सेकेंड्स के बाद ऊपर आता है, तो इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल ठीक गर्म है। ये देखिए इसमें मैंने डाला है, हल्का हल्का कुक हुआ है, धीरे से ये ऊपर आया है, तो हम इसमें 6-7 मठरियाँ आराम से डाल सकते हैं। तो देखिए एक मठरी मैंने डाली है, ऐसे ही मैं जो मैंने अभी 7 मठरियाँ बेल कर रखी हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी तेल में। और जब हम एक साथ कुकिंग करेंगे तो क्या है कि हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी और धीरे धीरे स्लो कुकिंग होगी, स्लो कुकिंग होगी तो मठरियाँ उतनी खस्ता और बढ़िया बनेंगी। मठरियों को तेल में डालिए और एकदम से चलाना ना शुरू कीजिए, नहीं तो खुल जाएंगी सारी परतें। इन्हें अच्छे से आप सेट होने दीजिए, इन्हें क्रिस्पी एक तरफ से हल्की हल्की होंगी तभी पलटिए। अगर आप अभी इनके साथ आप पलटा पलटी शुरू कर देंगे तो ये खुल के लेयर्स जो हैं बिल्कुल पट्टियाँ बन जाएंगी, तो इन्हें आप अभी सिकने दीजिए 10 मिनट, बिल्कुल कम आंच कीजिए और इन्हें 10 मिनट तक बिना छेड़े एक तरफ से पकने दीजिए। आप देख रहे हैं जैसे जैसे कुकिंग स्टार्ट हो रही है हमारी कुक मठरियाँ पक रही हैं, तो आप इनकी शेप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बन रही है। अब आपको लग रहा है कि एक तरफ से पक गई हैं, तो आप किसी फोक की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से या आप चम्मच से भी इसे पलट सकते हैं। देखिए एक तरफ से बहुत अच्छी खस्ता पक गई है, थोड़ी सी कसर है लेकिन फिर भी मैं पलट देती हूँ, और ये आप देख सकते हैं अब ये सख्त भी हो गई है, कुरकुरी भी हो गई है और ये आराम से पलटी जा रही है। तो ऐसे ही आप सभी मठरियों को पलट कर इक्वली दोनों तरफ से कुक कीजिए। तो आपने उतना कुरकुरा करना है कि आपको लगे हल्की कसर है, क्योंकि आप तेल से निकाल लेंगे ना फिर भी इनकी कुकिंग होगी। तो इन्हें गुलाबी कीजिए और तेल से निकालिए, एब्जॉर्ब पेपर पर रखिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। देखिए एक राउंड तो हमारा मठरियों का बनकर रेडी है, और जितनी देर में ये पक रही थी ना मैंने और बेल ली बहुत सारी। देखिए हमारी मठरियाँ बन रही हैं, सेकंड राउंड भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसी तरीके से आप खूब सारी मठरियाँ बनाइए। देखिए 2 कटोरी आटे से हमने बहुत सारी मठरियाँ बना ली हैं, और जो कि बाज़ार में कितनी महंगी मिलती हैं। देखिए मठरियाँ मैंने बना ली और इन्हें मैंने एब्जॉर्ब पेपर पर रख दिया था, इनका एक्सेस ऑयल भी निकल गया है। आप इन्हें बनाइए, इन्हें खूब अच्छे से ठंडा कीजिए और फिर डिब्बे में भर लीजिए, चाय के साथ खाने में तो मज़ा आ ही जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने चंद ही मिनटों में, जहाँ सच्ची बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया, बेलने में बहुत मज़ा आया, तो एक खस्ता क्रिस्पी मठरियाँ मेथी के फ्लेवर वाली बन के रेडी हैं। अगर आप मेथी नहीं पसंद करते तो आप ये सेम रेसिपी बिना मेथी के बनाएंगे तो भी बहुत मज़ा आएगा। इन खस्ता मठरियों को आप जल्दी से बनाइए, मेहमान आ रहे हैं घर पर, या शाम को चाय के साथ या सुबह नाश्ते में। आपको अच्छा लगता है ना कुछ इस तरह से क्रिस्पी खाना, वैसे भी
सर्दी आने वाली है और चाय के साथ मठरी तो सबको अच्छी लगती है। उम्मीद के साथ आप ये रेसिपी जल्दी ट्राई करेंगे। मैं चलती हूँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।